मामला बुलंदशहर के डिबाई कोतवाली क्षेत्र के दानपुर गांव के पास का है, जहां बीती रात करीब 1 बजे इको गाड़ी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टक्कर लगने से इको गाड़ी उछलकर सड़क किनारे बनी खाई में जा गिरी, जिसमें गाड़ी सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज क्षेत्र के नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। लेकिन इलाज के बावजूद भी घायल व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संभल जिले के युवक बताए जा रहे हैं। रात लगभग 1:15 बजे की घटना है। एक इको गाड़ी थी, इको गाड़ी में एक ट्रक ने जो है टक्कर मारी है, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और एक व्यक्ति घायल था, जिसको CHC दानपुर भेजा गया है और यहाँ मोर्चरी में हम लोग आए हुए हैं। 4 लोगों की डेथ हुई, उनकी बॉडी यहाँ पर। कहाँ के रहने वाले? ये जानकारी की जा रही है। हाँ, ये रात में अलीगढ़ से अनूप शहर के रास्ते से नोएडा की तरफ एक इको वाहन जा रहा था। ये लोग अलीगढ़ से चले हुए थे। रास्ते में डिबाई थाना अंतर्गत दानपुर के पास में एक अज्ञात वाहन द्वारा इस गाड़ी में टक्कर लग जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी खंती में पलट जाती है, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को मिलती है। हमारे पुलिसकर्मी मौके पर जाते हैं, सबको अस्पताल ले आते हैं, लेकिन ज़्यादा चोटिल होने की वजह से उसमें से 5 लोगों में से 4 व्यक्तियों की मौत हो गई है और एक घायल को मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया और अभी तक जानकारी के हिसाब से जो इंजर्ड है उसकी हालत ठीक है, खतरे से बाहर बताई गया है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।